शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो आइए चर्चा करते हैं कि राशियों के अनुसार। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं हम मेष राशि की। तो जिनकी राशि मेष है उनके जीवन में उनका विवाद न उनके घर में काम करने वाले सर्वेंटों के साथ हो सकता है, उनसे थोड़ा तालमेल बनाकर चले, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। आपके तबीयत में भी आपको लगातार गिरावट महसूस होती है और धन का अभाव भी आप महसूस कर सकते हैं। किसी अचानक किसी प्रॉपर्टी खरीदने से आपके मन में उत्साह का वातावरण भी रहेगा। तो कुल मिलाकर ये समय आपके लिए मिला जुला रहेगा। आइए अब हम चर्चा करते हैं वृषभ राशि की। तो जिनकी राशि वृषभ है उनके लिए भी ये समय अच्छा है। आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपके कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, जिससे आपके मन में हर्ष और वातावरण लगातार बना रहेगा और आप प्रसन्नता महसूस करेंगे। कैरियर में थोड़ा सा अपडाउन की स्थिति आ सकती है, लेकिन आप अपनी कार्यकुशलता के कारण इस समय को भी निकाल कर बाहर ले जाएंगे। कुल मिलाकर समय आपका अच्छा है। थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें, नहीं तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। अपने शत्रुओं से सावधान रहें, वो आपके पीछे षड्यंत्र का कार्य कर सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं मिथुन राशि की। तो जिनकी राशि मिथुन है उनके लिए समय अच्छा है। आपके जीवन में काफी पॉजिटिव चेंजेस होंगे, आप कई नई दिशा में आगे बढ़ेंगे, अपने हेल्थ के प्रति सचेत रहेंगे, जिसके कारण आपके अंदर एक नई जागृति उत्पन्न होगी और आप अपने चारों दिशाओं में आप उन्नति करेंगे। कुल मिलाकर समय आपके लिए पॉजिटिव है, एंजॉय करें और समय का सदुपयोग करें। आइए अब हम चर्चा करते हैं कर्क राशि के विषय में। तो जिनकी राशि कर्क है उनके लिए भी ये समय अच्छा है। थोड़ी आपको बहुत दिनों के बाद राहत मिलेगी, लेकिन कोर्ट कचहरी के मामले में आपकी समस्या बढ़ सकती है, आपके पेट में भी समस्या आ सकती है, आपको चक्कर की शिकायत भी हो सकती है और आप अपने मन में थोड़ी सी शांति का अनुभव तो जरूर करेंगे, लेकिन फिर भी आपकी आर्थिक और मानसिक और शारीरिक तीनों स्थिति में ही थोड़ी सी गिरावट की संभावना मुझे दिखाई दे रही है। आइए अब हम चर्चा करते हैं सिंह राशि के विषय में। तो जिनकी राशि सिंह है उनके लिए समय अच्छा है। काफी दिनों से जो फाइनेंशियल समस्या चल रही थी, पति पत्नी के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, उसमें आपको राहत मिलेगी। आपके पुराने संबंध लोगों के साथ सुधरेंगे और आपका रुका हुआ पैसा भी वापस मिलेगा, जिससे आपके जीवन में काफ़ी सारे आपको चेंजेस फील होंगे। आइए अब हम चर्चा करते हैं कन्या राशि के विषय में। तो जिनकी राशि कन्या उनके लिए भी ये समय अच्छा है। बहुत अप डाउन के बाद आपके जीवन में कुछ स्थिरता आपको महसूस होगी, जिसके कारण आपको अच्छा लगेगा। घर में पारिवारिक वातावरण सुखद होने के कारण आप सुख का अनुभव करेंगे और आपको अचानक लाभ की प्राप्ति भी हो सकती है। आइए अब हम चर्चा करते हैं तुला राशि की। तो जिनकी राशि तुला है उनके जीवन में भी कई बड़े परिवर्तन होंगे, कई सामाजिक जिम्मेदारियां आप अपने जीवन में उठा लेंगे, जिसके कारण आपको हर्ष का वातावरण रहेगा, आपका रुका पैसा भी आपको मिल जाएगा और घर में शादी ब्याह का वातावरण भी बन सकता है। तो कुल मिलाकर समय आपके लिए अच्छा है। अब हम चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि के विषय में। तो जिनकी राशि वृश्चिक है उनके लिए थोड़ी सी कार्य में स्थिरता आएगी, लेकिन आप मानसिक रूप से परेशान रहेंगे, आर्थिक रूप से परेशान हो सकते हैं, पारिवारिक विवाद में फंस सकते हैं या पत्नी और प्रेमिका के बीच आपका विवाद हो सकता है, जिसके कारण आपके जीवन की पॉजिटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो सोच समझ कर आगे बढ़ें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। आइए अब हम चर्चा करते हैं धनु राशि के विषय में। तो जिनकी राशि धनु है उनके मन में भी काफी विचलन वाली अवस्था मुझे दिखाई दे रही है। पारिवारिक संबंध आपके लोगों के साथ बिगड़ेंगे, आपके जीवन में कोर्ट कचहरी के मुकदमे के मामले भी आपको परेशान कर सकते हैं, प्रेमी के साथ विवाद हो सकता है, लेकिन थोड़ी सी आर्थिक स्थिति आपकी पहले से ठीक होने की संभावनाएं मुझे दिखाई दे रही है। आपका रिजल्ट भी बिगड़ कर आ सकता है, जिससे आपके मन में हल्लाश का वातावरण रह सकता है। अब हम चर्चा करते हैं मकर राशि के विषय में। तो जिनकी राशि मकर है उनके लिए समय पहले से अच्छा है। आपके स्वास्थ्य में आप सुधार फील करेंगे। खेलकूद वाले व्यक्तियों के लिए भी ये समय अच्छा है। आपको काफ़ी लाभ होगा, अचानक आपको धन लाभ होगा और किसी पुराने मित्र से आपकी मुलाकात भी होगी। तो कुल मिलाकर समय आपके लिए अच्छा है। आइए अब हम चर्चा करते हैं कुंभ राशि के विषय में। तो जिनकी राशि कुंभ है उनके लिए भी समय पहले से पॉजिटिव है। आपके रुके हुए कार्य पूरे कर होंगे, आप धन का संचय कर पाएंगे और अपने किसी प्रॉपर्टी में निवेश करना चाह रहे होंगे तो भी आपको कार्य होता हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर आपके लिए समय अच्छा है। आइए अब हम चर्चा करते हैं मीन राशि के विषय में। तो जिनकी राशि मीन है उनके शुक्रदेव के और गुरुदेव के आशीर्वाद के कारण वो जीवन में कई पॉजिटिव चेंज करेंगे, आपके बिगड़े हुए संबंध ठीक होंगे, आपको लाभ होगा और आप चारों दिशाओं में उन्नति करेंगे। कुल मिलाकर समय आपके लिए पॉजिटिव है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।